नमस्कार दोस्तों, माँ डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको, इंडियन नेवी के अंतर्गत मेल फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास पात्रता क्या होना चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमारे वीडियोज को देखते रहें। तो फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ इंडियन नेवी की वेबसाइट पर और आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशंस। जैसे फ्रेंड्स हम इंडियन नेवी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पर आप लॉग इन करके यहाँ से रजिस्टर करके फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपका जो फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही आपसे एक निवेदन करना है, जो कि आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे कि आपको वीडियो की सभी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स आपको सीधा लेकर के आ गया मैं इंडियन नेवी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो वो क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है इसका नोटिफिकेशन, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके देख भी पाएंगे। तो इंडियन नेवी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विसेज कमीशन SSC ऑफिसर्स फॉर द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट AINET फॉर द वेरियस एंट्रीज जनवरी 2020 कोर्सेज। डेट ऑफ ओपनिंग 29 नवंबर 19, मतलब 29 नवंबर से आपका जो है प्रारंभ हो जाएंगे, लास्ट 19 दिसंबर 2019 रहेगा। साथ ही इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें देखो आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तरीके से, वीडियो स्किप ना करें, साथ ही बने रहे हमारे। और ये देखिए आपको सबसे पहले जो ब्रांच है SSC नवल आर्म्स एप एम्प्रेक्टरेटर कैडर NAIC, इसमें आपको BBTech आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास 60% मिनिमम होना आवश्यक है। और BBTech किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और कंट्रोल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मेटेरियल साइंस एंड एरिया स्पेस, इसमें जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। और इस तरीके से ऑटोमोबाइल्स मेडिसिन ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जिसमें 6 वैकेंसी तो मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ आपको दिख रहा है। साथ ही सेकेंड पोस्ट जो आपकी है, मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, जो है आपको दिखेगा यहाँ पर सेकेंड SSC ITC, यहाँ पर भी आपकी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और BBTech डिस्क्राइब द AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विद द मिनिमम 60% और जो होना चाहिए आपके पास 60% और मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और क्लास 12th में भी आपके 60% इंग्लिश में होना अनिवार्य है। साथ ही आपके SSC ऑब्जर्व, इसमें आपका सेम यही रहेगा, और SSC ऑब्जर्व पायलट के MR के अंतर्गत भी यही रहेगा सेम। और इधर आप देख पाएंगे जो है मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो रहेगी 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इसके बाद जो अगला पद आता है आपका SSC पायलट, मैं बता ही चुका हूँ, SSC लॉजिस्टिक्स, इसमें भी आपके पास BBTech होना चाहिए। और साथ अगर आपके पास MBA है तो MBA चलेगा, BSc BCom BSc IT विद फर्स्ट क्लास विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंशियल लॉजिस्टिक, MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास, एज सेम है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। SSC XIT BBTech AICTE इंस्टीट्यूट ऑफ 60% मार्क्स एंड कंप्यूटर MCA है आपके पास, MSc कंप्यूटर साइंस आपके पास जो है MSc IT, और साथ ही अगर आपके पास MCA है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी ग्रेजुएशन है, और साथ ही इसमें आप मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर पाएंगे, एज सेम है और पोस्ट इसमें 11 है। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट SSC जनरल सर्विसेज, उसका भी SU BBTech एंड एनी डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास फॉर AICTE और टेक्निकल ब्रांच के लिए BBTech AICTE 60% मार्क्स के साथ में आपके पास होना चाहिए। और आपके पास नेक्स्ट जो आता है एजुकेशन ब्रांच SSC एजुकेशन, इसमें आपका फर्स्ट क्लास MSc मैथ्स और ऑपरेशन रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc, फर्स्ट क्लास इन MSc फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स विद मैथ्स इन BSc, फर्स्ट क्लास इन MSc मेट्रो मेरोलॉजी और ओशनोलॉजी एटमोसफियर साइंस, इसके साथ में आपके पास होना चाहिए। BBTech AICTE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिससे भी आपका BBTech आपके साथ सब मतलब जो टोटल है आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BBTech आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपका इंग्लिश में आपको 60% मार्क्स 10th एंड 12th में भी होना अनिवार्य, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपके पास जो आता है इसमें और इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो ₹215 रहेगा एप्लीकेशन फीस, SC और ST के लिए पेमेंट फीस नहीं है। और आपका जो अदर जो भी जितने बचते हैं सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है अप्लाई करनी पड़ेगी, ₹215 215 रुपीज़ उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप जो है
यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर पाएंगे। और साथ ही इसके INETA रिक्वायरमेंट जो चल रही है इसमें SSB की रिक्वायरमेंट भी है। इसमें SSB से सीधा एंट्री SSB में मिलता है नेवी के अंतर्गत। और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। तो साथ ही फ्रेंड्स आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुख्य है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जो आपकी एज लिमिट आपकी 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। ट्रेनिंग आपकी वही सेम रहेगी। और साथ ही आपका जो है हाउ टू अप्लाई किस तरीके से कर पाएंगे, तो ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाना है और आपको वहाँ से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में है फ्रेंड्स। अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें। अगर आप हमारे टेक्निकल न्यूज़ और टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं, साथ ही और जॉब रिलेटेड न्यूज़ और भी देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल MDS टेक एंड न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सीधा सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।